सो यार कैसे हो आप सब। तो बस स्वागत है आपका एक और नए टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो में। तो बस आज के इस वीडियो में आपको टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको इन गेम बहुत ज़्यादा हेल्प आ सकती है। तो बस वीडियो को एंड तक देखना और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नया आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस बात करते हैं अपने पहले ट्रिक की। तो बस पहले ट्रिक के लिए आपको गाइज इग्निशन मोड के अंदर किसी वेयरहाउस को मतलब सॉरी गाइज स्क्वाड हाउस के ऊपर आ जाना है। और स्क्वाड हाउस के ऊपर कई बार क्या होता है बंदे ऊपर कैंप कर रहे होते हैं और गाइज आप नीचे से बिल्कुल अटैक नहीं कर पाओगे। आप अगर जीने से भी जाना चाहोगे ऊपर तो गाइज आप नहीं जा पाओगे क्योंकि ऊपर बहुत तगड़ी कैंपिंग चल रही होती है। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि गाइज आप इसके ऊपर सरप्राइज अटैक कैसे कर सकते हो बंदों को, यानी जो भी बंदा ऊपर कैंप कर रहा होगा स्क्वाड हाउस पे उसको कैसे अटैक कर सकते हो। सबसे पहले गाइज आपको एक शील्ड को इस तरीके से यहाँ पर बना देना होगा एंड देन आपको इसके साइड में इस तरीके से जंप करके सामने दीवार पर जंप करना है। आप इजीली गाइज स्क्वाड हाउस के ऊपर आ जाओगे और यहाँ पे आने के बाद आप जितने बंदे ऊपर कैंप कर रहे होंगे उन्हें इजीली फिनिश कर दोगे और वो जो बंदे होंगे बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे कि आप यहाँ ऊपर कैसे आ गए। तो गाइस ये था हमारा पहला ट्रिक और गाइस कमेंट करके बताना कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब गाइस बात करते हैं अपने सेकेंड ट्रिक की। तो गाइस सेकेंड ट्रिक के लिए चलते हैं अपने शेल्टर के पास। तो गाइस शेल्टर के पास ही हमारे इग्निशन मोड के अंदर एक ग्लिच चल रहा है, यानी बग है ये गेम का गाइस, बट इसका आप यूज़ कर सकते हो अपने गेम प्ले में मतलब अपने केड़ी मेंटेन करने में। तो बस यहाँ पर ये ग्लिच है क्या, तो बस आपको ये जो आपको शेल्टर दिख रहा है यहाँ पर शेल्टर के पास जो ये पहला गुफा है, जैसे कि आप मैप में देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ लोकेशन मेरा कहाँ पर है अभी। तो बस यहाँ पर देख लो मैं अपना मार्ग और लोकेशन कर रहा हूँ और बस यहाँ पर देख सकते हो इस जगह का जो ये गेट है शेल्टर का, आपको सिंपली इस जगह पर आ जाना है और इस शेल्टर के गेट के ऊपर गए जो एक पत्थर यहाँ पर एक पत्थर में यहाँ पर ग्लिच है यानी बग है, जैसे कि देख सकते हो मैं इसके अंदर इजीली छुप पा रहा हूँ और यहाँ पर जो भी बंदा आएगा मेरे को बिल्कुल स्पॉट नहीं कर पाएगा और मैं उसे इजीली यहाँ पर रहते रहते बाहर की तरफ भी शूट कर सकता हूँ। यानी गाइज अगर आप अपनी स्क्वाड के अकेले मेंबर बचो तो यहाँ पर आके आप मतलब डिफेंस कर सकते हो और जो भी सामने बंदे आएंगे उन्हें आप इजीली फिनिश कर दोगे क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहेगा कि कोई बंदा पत्थर के अंदर भी छुप सकता है और वो मतलब आप यहाँ बिल्कुल एक तरह से हाइड हो जाओगे। और अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो गाइज ये आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, यानी बहुत अच्छा बग कह सकते हो। गाइस यहाँ पर आप आके इजीली अपना रैंक पुश कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर शेल्टर में भी गाइस बहुत बार एंड जोन बन जाता है, तो यहाँ पर आप इसका यूज़ एंड जोन में कर सकते हो। तो बस जैसा कि देख सकते हो आप यहाँ पर चारों तरफ का इजीली व्यू ले सकते हो और अगर आगे पीछे से कहीं से ये बंदे आते हैं तो गाइस उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होगा कि यहाँ से आप निकल के उन्हें मार सकते हो। तो गाइस आई होप आपको ये सेकेंड ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की ओर। तो गाइस अगले ट्रिक के अंदर गाइस मिशन इग्निशन के अंदर आपको किसी भी स्क्वाड हाउस में आ जाना है, बट गाइस मैं इस वाले स्क्वाड हाउस पर कर रहा हूँ ये ट्रिक। तो गाइस होता क्या है कि जो आपके पास जो मतलब एंटी ग्रेविटी बाइक है उसका यूज़ गाइस आप इन तरीके मतलब इस तरीके के स्क्वाड हाउस में कर सकते हो, यानी जितने भी स्क्वाड हाउस है मतलब हमारे इग्निशन में मोड में आप उसके अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको क्या करना है एंटी ग्रेविटी बाइक को इसके अंदर लेके आ जाना है और यहाँ से आप देख सकते हो आपको ऊपर का ईजिली व्यू मिल जाएगा, यानी ऊपर में कितने बंदे कैंप कर रहे हैं या फिर बंदे हैं भी या नहीं आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हो। और वैसे आप नीचे रहते रहते ऊपर की तरफ थ्रोवेल्स फेंक सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ग्रेनेड फेंक के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो भाई जैसे कि आपने देखा है मैंने यहाँ पर नीचे रहते रहते ऊपर की तरफ थ्रोवेल्स फेंक दिए और वैसे अगर ऊपर यहाँ पर कोई बंदा कैंप कर रहा होता तो वैसे उसे मैं ईजिली फिनिश कर देता। तो इस तरीके से देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पर एक स्मोक ग्रेनेड भी आपको फेंक के दिखा देता हूँ, यानी अंदर की तरफ भी कोई बंदा होगा तो अंदर भी आप इजीली यहाँ से फेंक सकते हो और चाहो तो अपना जो एंटी ग्रेविटी बाइक है उसको थोड़ा सा और अंदर लेके जा सकते हो, आपको अंदर का व्यू इजीली मिलेगा। तो गाइस देख सकते हो मैंने इस मतलब एंटी ग्रेविटी बाइक को किस तरीके से यहाँ पर लगाया और इसके ऊपर ड्राइव या फिर गेटिंग करके आप इजीली ऊपर का व्यू ले सकते हो और अगर आप थोड़ा सा आगे आते हो तो आपको बीच का व्यू भी दिख जाएगा। तो गाइस ये था हमारा थर्ड ट्रिक, आई होप गाइस आपको ये ट्रिक भी अच्छा लगा होगा और गाइस कमेंट करना मत भूलना कि आपको कौन से ट्रिक ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो अब कहीं हम बात करते हैं अपने अगले ट्रिक की, जो गाइस जो कि आपने थंबनेल में देखा था, यानी नो डैमेज। जैसे कि आपको गाइस पता है अगर हमारी बाइक की स्पीड में चल रही होती है और अगर हम उससे एग्जिट कर देते हैं तो गाइस हमें बिल्कुल मतलब बहुत कम एचपी हमारी बचती है, यानी बहुत ज़्यादा हमारा हेल्थ लॉस हो जाता है। तो गाइस इस ट्रिक में आपको बताऊँगा कि बाइक गाइस कितनी भी स्पीड चल रही हो आप गाइस उसको एक झटके में रोक सकते हो और गाइस आपका हेल्थ 1% भी लॉस नहीं होगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो आपको क्या करना है, जो आपका जो चेंज स्किन का ऑप्शन होता है आपको उसको क्लिक करना है। आपको गाइस सिंपली कहना क्या अपने टीममेट से कि गाइस वो अपने जो आपका बाइक का स्किन है उसको पहले चेंज कर दे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो स्किन है वो मेरे टीममेट ने चेंज कर रखा है। अब गाइस मैं आपको ये ट्रिक दोबारा के बाद करके दिखा दे रहा हूँ। आपको गाइस जितना हो सके उतना स्पीड में ले जाना अपने बाइक को, यानी गाइस इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हो जब आपके पीछे कोई स्क्वाड पड़ी हो और गाइस आप बहुत स्पीड में जा रहे हो बाइक से,
तब गाइस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और गाइस आपको मतलब क्विकली आपको जो चेंज स्किन का बटन है उसको दबाना है एंड देन आपका बाइक बिल्कुल एक झटके में रुक जाएगा। तो गाइस ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है आपके क्लासिक मैचेस में। जैसे कि गाइस पता है आपको जब भी स्क्वाड आपके पीछे पड़ती है तो गाइस ये ट्रिक आप बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। अब हम गाइस बात करते हैं अपने एंड मतलब लास्ट ट्रिक की जो कि गाइस इग्निशन मोड में है। जो गाइस ये ट्रिक नहीं है, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास दो शील्ड है यहाँ पर। अब गाइस मैं आपको बताऊँगा इस शील्ड को तोड़ने के लिए आपको कितनी एमो लगती है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो इससे अगर आप एमो से तोड़ना चाहते हो यानी गोलियों से मार के तोड़ोगे तो गाइस इसमें मतलब 150 एमओ प्लस लग जाता है। यानी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको पहले इसे तोड़ के दिखा देता हूँ। सो गाइस जैसा कि देखा अपने मैंने गाइस अपने गन को 2 से 3 बार रिलोड किया तब गाइस ये जाके सील टूटा। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ आपको इसे बिल्कुल आसानी से कैसे तोड़ना है। तो गाइस आपको इसको बस 10 पंच मारने जंप करते समय कि इजीली टूट जाएगा। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर गिनना पंच मैंने कितने मारे हैं, यहाँ पर आपको 9 से 10 पंच मारना और गाइस ये इजीली टूट जाएगा। इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हो जब कोई अपार्टमेंट वगैरह पर इस सील्ड को लगा के कैंप कर रहा होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। आप लगा मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।